सीधे सवाल है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, आपके पास एक आइडेंटिटी होती है, आप इसको अगर गुणा करेंगे ए से दोनों की और बी से दोनों की, तो यही है कुल मिला के इसको आप ऐसा करोगे दो संख्याओं के वर्गों का अंतर बराबर दो संख्याओं का योग गुणा दो संख्याओं का कुल, दो संख्याओं का योग गुणा दो संख्याओं के घटाने का कुल, ये आपका। अभी 25x² माइनस 729z², 25 × 5 का वर्ग 729 का वर्ग। अब कोई भी संख्या है अगर गुणा में लिखी है तो आप उन्हें एक ब्रैकेट में लगाकर वही घात लगा सकते हैं दोनों संख्याओं पर। ये कुछ इस तरह का हमने बताया था, ए की घात m गुणा बी की घात m बराबर हम लिख सकते हैं ए बी की घात। तो हम ये वाला रूल अगर यहाँ लगाते हैं तो हम देख रहे हैं आधार अलग अलग है लेकिन घात समान है, तो केवल गुणा में लगेगा ये जोड़ पर घटा पर लगता है। जिन ये पहले भी है ये कांस्टेंट है यानी चर राशि है, अचर राशि है, चर और अचर की अगर दोनों लिखे हैं बीच में कोई निशान नहीं है तो आप गुणा का निशान मानकर चला करेंगे। हम लगाते नहीं, 27z का मतलब होता यही है 27 × z, लेकिन हम ये गुणा का निशान ना लगाकर सीधे सीधे 27z लिख देते हैं, बाकी बात इशारे में रहती है, दिमाग में रहती है कि हाँ इन दोनों की गुणा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है 5x और बी का काम कौन कर रहा है 27z माना। अब यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे सर्वसमी का, सर्वसमी का हमारे पास ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 बराबर ए माइनस ए का मान रख दो बी का मान रख दो बराबर 5x माइनस 27 और 5x प्लस 27। आपने इसको दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में रख दिया यानी आपने इसका गुणनफल कर। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका सीधा। मान लो लिखा है x² / 25 माइनस 36y² / 25। इसका आपको कह दिया कि कर दीजिए गुणनफल, तो इसे लिखोगे आप x² / 5 का वर्ग। कोई कॉपी ले लो, कॉपी कहाँ है, कोई डायरी है डायरी में लो दोस्तों, सब चीज़ें चेक कर लो, हमारा दिया आप डायरी ले लो PDF से पता लो PDF उसी में ये ये जरा दिन ये 6 का वर्ग y का वर्ग 7। अब ये एक पद है ये दूसरा पद, यहाँ पर एक ही घात दिखाई दे रही है तो इन्हें ऐसा करो x/5 की घात दो माइनस इसे 6y/7 की घात दो, सेम ऐसे बन गया। अब डायरेक्ट यूज कर लो, डायरेक्ट लगा लो अब इसको या मान के करूँ उसके, चलो मान ही ले माना a = x/5 और b = 6y/7 सब सभी का लगा दो। इसको देख के हमें पहचान करना होगा कौन सी सर्वसमी का मतलब है, ठीक है। अभी मैं कुछ सवाल लिख रहा हूँ या आप कुछ करके दिखाएंगे या आपका क्लास वर्क समझो चाहे ऊपर।
ये आप सवाल अभी करते हैं, कोई दिक्कत आएगी तो अभी पूछिए।